वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे 1.1 का प्रॉब्लम्स। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 1.2 का थ्योरी, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो हम लोग थ्योरी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट्स, सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट्स, समुच्चय से जो जो टर्म रिलेटेड है उस बात को हम लोग अलग अलग समझेंगे। सबसे पहला एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है वॉइड सेट और इसी का तीसरा नाम है नल सेट। यह तीनों एक ही बात है, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट। इसको हम लोग सिम्बॉलिकली डिनोट करते हैं फाई से या ओनली मिडिल ब्रैकेट से। ए सेट कॉन्टेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। वह सेट जिसमें एक भी एलिमेंट न हो उस सेट को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है कैपिटल एन का एंड एक्स ग्रेटर देन टू एंड लेस देन थ्री, टू और थ्री के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, अर्थात इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं हुआ, सो इट इज ए नल सेट। नेक्स्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू x, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो अपने आप के बराबर न हो, सो इट इज ए नल सेट। नेक्स्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7, कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। जो 5 से छोटा होगा वो कभी भी 7 से बड़ा नहीं हो सकता है और जो 7 से बड़ा होगा वह कभी भी 5 से छोटा नहीं हो सकता है, सो इट इज ए नल सेट। नेक्स्ट एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है रियल नंबर का एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसमें एक्स के जगह पर कोई भी रियल नंबर हम लोग पुट करेंगे तो यह -1 के बराबर कभी भी नहीं आएगा, सो इट इज ए नल सेट। नेक्स्ट एक्स सच दैट एक्स इज ए रेशनल, एक्स रेशनल नंबर है एंड एक्स स्क्वायर -2 = 0, हम लोग एक्स स्क्वायर -2 = 0 को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर (2x) = ±√2 और ±√2 जो आपका है वह रेशनल नंबर है और हम कह रहे हैं कि यह रेशनल नंबर है, सो इट इज ए नल सेट। नेक्स्ट नॉन एम्प्टी सेट, वह सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो, अनेकों एलिमेंट हो ठीक है लेकिन कम से कम एक एलिमेंट होना अनिवार्य है। ए सेट विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए नॉन एम्प्टी सेट। वह सेट जिसमें एक कम से कम एक एलिमेंट हो, हजारों हो लाखों हो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। ए सेट विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए नॉन एम्प्टी सेट। जैसे ए बराबर मिडिल ब्रैकेट में 1, बी बराबर 1.2, सी बराबर 1.2.3, डी बराबर 1.2.3.4.5 etc. नेक्स्ट आपका है सिंगलटन सेट। ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। वह सेट जिसमें एक और केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे सिंगलटन सेट। जैसे कैपिटल ए बराबर मिडिल ब्रैकेट में 0, इसमें केवल एक एलिमेंट 0 है, सो इट इज ए सिंगलटन सेट। कैपिटल बी बराबर मिडिल ब्रैकेट में, सिंस इट हैज वन एंड ओनली वन एलिमेंट, सो इट इज ए सिंगलटन सेट। सी बराबर मिडिल ब्रैकेट में एल, इसमें भी एक और केवल एक एलिमेंट है, सो इट इज ए सिंगलटन सेट। नेक्स्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा ±2, तो ±2 में -2 नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन +2 नेचुरल नंबर है, सो इट कंटेन्स वन एंड ओनली वन एलिमेंट, सो इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। नेक्स्ट पेयर सेट, ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए पेयर सेट। वह सेट जिसमें दो और केवल दो ही एलिमेंट हो, नॉट मोर देन टू, टू एंड ओनली टू एलिमेंट्स जिसमें होंगे वे कहलाएंगे पेयर सेट। जैसे कैपिटल ए बराबर मिडिल ब्रैकेट में 1.2, कैपिटल बी बराबर मिडिल ब्रैकेट में 3.4, कैपिटल सी बराबर मिडिल ब्रैकेट में l.n,
कैपिटल डी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ एक्स का हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस 2, और प्लस माइनस 2 दोनों रियल नंबर है, सो इट इज ए पेयर सेट। नेक्स्ट फाइनाइट सेट, ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। वह सेट जो या तो एम्प्टी हो या उसके एलिमेंट की संख्या को काउंट किया जा सकता है, उस सेट को हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। सिंपली इसको हम लोग कह सकते हैं वह सेट जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है, जिसका एलिमेंट काउंटेबल होगा, उस सेट को हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कॉन्टेंड इन ए फाइनाइट सेट ए इज डिनोटेड बाई एन ए। और यदि सेट ए फाइनाइट है तो उसके एलिमेंट की संख्या को हम लोग डिनोट करेंगे नंबर ऑफ ए। एग्जाम्पल, फर्स्ट लेट ए बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के सभी दिनों का समुच्चय, यह ए है आपका। हेयर ए इज ए फाइनाइट सेट एंड नंबर ऑफ ए बराबर 7। नेक्स्ट बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ बी के एलिमेंट की संख्या को हम लोग काउंट कर सकते हैं, सो इट इज ए फाइनाइट सेट और नंबर ऑफ बी बराबर 9। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। वह सेट जो फाइनाइट नहीं होगा उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे, या इसी को दूसरे ढंग से कह सकते हैं वह सेट जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे, या इसी को तीसरे ढंग से कह सकते हैं ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ नो डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वह सेट जिसके एलिमेंट की संख्या डिफिनिट नहीं होगी उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे लेट ए बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ... इसके एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, सो इट इज इनफाइनाइट सेट, दैट इज सेट बी इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इक्वल सेट्स, दो सेट इस प्रकार हों कि दोनों के एलिमेंट आपस में समान होगा तो हम लोग उसको इक्वल सेट्स कहेंगे। टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, दोनों के एलिमेंट एग्जैक्टली समान होने चाहिए। जैसे देखिए इसमें 1 तो 1, 2 तो 2, 2 तो 2, 3 तो 3, और हम लोग इसको सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे ए बराबर बी। नेक्स्ट लेट ए बराबर द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ऑल्फ एंड बी बराबर सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉलो। यहाँ देखिए ए के एलिमेंट हो गए W, O, L, F और बी के एलिमेंट हो गए F, O, L, W, सो ए एंड बी बी इक्वल सेट्स। नेक्स्ट अनइक्वल सेट्स, जब इफ टू सेट्स आर नॉट इक्वल देन इट इज सेट टू बी अनइक्वल सेट्स, जब दो सेट्स इक्वल नहीं होंगे तो उनको हम लोग अनइक्वल सेट्स कहेंगे। जैसे कैपिटल ए बराबर 1, 2, 3, कैपिटल बी बराबर 4, 5, 6, इन दोनों सेट के एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, सो इट इज कॉल्ड अनइक्वल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाई ए नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट्स, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, दो सेट्स इक्विवेलेंट्स कहे जाएंगे यदि सेट ए और बी के एलिमेंट की संख्या आपस में बराबर हो। यहाँ एलिमेंट बराबर होना जरूरी नहीं है, यहाँ एलिमेंट की संख्या बराबर होना जरूरी है, और यदि एलिमेंट भी बराबर है तो भी इसको हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स कह सकते हैं। लेट ए बराबर 1, 2, 3, बी बराबर 1, 5, 6, हेयर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, सो इट इज इक्विवेलेंट सेट्स। लेट ए बराबर a, b, c एंड b बराबर b, c, a, यहाँ पर
एलिमेंट की संख्या भी बराबर है और एलिमेंट भी बराबर है, यहाँ एलिमेंट की संख्या भी बराबर है और एलिमेंट भी बराबर है, हियर नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी बराबर 3, सो इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट्स। मतलब आप समझ गए कि सारे के सारे इक्वल सेट्स जो होंगे वो आपके इक्विवेलेंट सेट्स अवश्य होंगे, लेकिन सभी के सभी इक्विवेलेंट सेट्स जो होंगे वह इक्वल सेट्स होंगे यह कोई जरूरी नहीं है। इस बात को हमने नोट में लिख दिया, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल। सारे के सारे इक्वल सेट्स जो होंगे वे इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, बट सभी के सभी इक्विवेलेंट सेट्स जो होंगे वह इक्वल सेट नहीं होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस 1.2 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।